नमस्कार दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं डेरा सच्चा से जुड़ी हुई महिलाओं से, जानते हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? हम बचपन से जुड़े हैं। इतने लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या सच है डेरा का? डेरे में बहुत सच देखने को मिलता है, जैसे भी हमें हर प्रकार की, मतलब कोई भी परेशानी हो या हर उसका भी मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ आना सही है? हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है आने। किस प्रकार की सेफ्टी रखी जाती है यहाँ महिलाओं को लेके? महिलाओं के लिए जैसे भी, मतलब भाइयों का अलग से भी, बहनों का अलग से, यहाँ बहुत सेफ्टी मिलती है। भी सभी को देखते हैं, यहाँ बुजुर्गों को, लड़कियों को अलग अलग से तरह से सेफ्टी दी जाती है। आपका कहना है कि बहुत अच्छी सेफ्टी यहाँ महिलाओं को दी जाती है, लेकिन बाहर मीडिया कुछ और ही दिखा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मीडिया कभी नहीं सच बोलेगा। ये पता क्या, सच तो दिखाते नहीं, जो सच होता है वो नहीं दिखाते। तो आप बताइए हमारे दर्शकों की अंदर डेरा के अंदर का सच क्या है? जो डेरे का अंदर सच है ये, जैसे मतलब मान पिताजी के उनमें, पिताजी जो चलाते हैं ये कार्ड, 134 मानवते कर रहे हैं, इनमें ब्लड डोनेट करना, भी मरीजों की वो करना, जांच करना, जैसे माताएं उनकी देखभाल करना, और जो ये सुख दुआ समाज है इनको भी सभी के देखते हैं ये पिताजी की हजूरी। जो कार्य मानवता भलाई के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पहले क्या करते थे, वो आज भी कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे भी कर रहे हैं पहले की तरह। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं, डेरे में ये भी सब कुछ सच सच चलता है, झूठ कुछ नहीं है। दुनिया ऐसी है जो चलते चलते रहने दो, ये सच ही चलता है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं भी जो भी लगाई है डेरे की, पिताजी के लिए जो भी, वो सब झूठ है।